अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? हमारा ये स्टाइल कंप्लीट हो गया है, ज़रा चेक करके बताएं। अभी जनाब हम फ्री हुए हैं, ये वाले जो मुझे ड्रेसेस रिसीव हुए थे पीआर में, इनकी स्टोरीज वगैरह शेयर की हैं और अभी सिलेक्ट भी नहीं किए हम लोगों ने कि कौन सी वीडियो के लिए ना, हमने कौन सी अभी की वीडियो के लिए कौन सी शर्ट पहननी है। लेकिन मेरा ये दिल कर रहा है कि ये ब्लू वाली जो है ना, ये ज़्यादा अच्छी लगेगी, तो इसको मैं यहाँ सेपरेट करके रख लूँगी और ये वाली जो है ये मैं उधर हैंग कर देती हूँ। अभी शर्ट्स के इनको होल्ड कर दूँगी और ये बाकी का ये पियास ओपन किया। अभी ये फॉर एवर की प्रोडक्ट्स मुझे, मैंने कुछ ऑर्डर किए हैं, कुछ मिली हैं इनके ऊपर, इंशाल्लाह वो रिव्यू वीडियो आ जाएगी इसके लिए। और ये येस टू रिवाइव के सप्लीमेंट्स, अगर आप लोग भी अच्छे सप्लीमेंट्स लेना चाहते हैं, सॉरी हो जाता है यार, बंदा क्या क्या करे, अब वीडियो करूँ, अनबॉक्सिंग करूँ या ब्लॉग शूट करूँ। ये हेयर और नेल्स के हैं, ठीक है। अगर आपको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, नेल्स जो है आपके ग्रो नहीं कर रहे, तो ये वाले जो है ना बेस्ट सप्लीमेंट्स है, अगर लेने हुए तो ये ले लेना। और आज की जनाब हमने कौन सी मुकद्दस वीडियो करनी है? हमें टीनेजर्स ग्लैम मेकअप लुक करनी है। टीनेजर्स ग्लैम मेकअप लुक है, उसके लिए मैंने ये जूटी अभी निकाल कर रखी है और बस मैं ये थोड़ी सी चीज़ें सेट कर लूँ ना, तो फिर मैं सेटअप सारा लगाऊंगी वीडियो का अपना। मैं बना लूँगी हेयर स्टाइल वीडियो से पहले। मामा, जब से मैंने ये सुरवाइव के हेयर और नेल्स के सप्लीमेंट्स खाना शुरू किए हैं, इतनी ज्यादा मेरी हेयर की ग्रोथ शुरू हो गई, आगे भी थी, लेकिन जो 2-3 महीनों में मेरे हेयर की ग्रोथ शुरू हो गई है ना। नहीं, सप्लीमेंट्स का वैसे भी बहुत अच्छे होते हैं, अगर आपकी डाइट चाहे जितनी भी अच्छी है ना, जितनी भी आप अच्छी डाइट ले रहे हो, लेकिन फिर भी अगर आप ऊपर से सप्लीमेंट्स वगैरह लेते रहते हो और स्पेशली आपकी इतनी हेक्टिक जो रूटीन हो जाती है, जिस तरह कर ले आपने कॉलेज भी जाना है, पढ़नी है, इधर से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं या कुछ भी है, तो उसमें ना आपके लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। बच्चों की उधर से आपकी ग्रोइंग एज होती है, खाने पीने का भी ऊंच नीच होता है, तो मैं उस हेयर को ना हमेशा कोई ना कोई सप्लीमेंट जो है ना वो साथ दिए रखती हूँ। वो जो रिहाना ने कल ट्वीट की है वो देखी? की है माँ, मुझे हॉलीवुड वाली रिहाना। हाँ, क्या किया उसने? मैंने बच्चे को नहीं देखी, न्यूज में आया था, मैंने ट्वीट, मेरे पास तो ट्विटर ही नहीं है। फिर पता नहीं उसने पाकिस्तान के हक में कोई कहा है, जुंदीरे और नीचे कंगना रनौत ने उसे रिप्लाई किया कि आपको इंटरनल मामलात में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं। ओए हो, इतनी दर्द, इतनी किडनी में रियाना को कहा है, रियाना को कहा है, और नीचे फिर इंस्टाग्राम पे मीम्स बनना शुरू हो गई कि आ गए थे छा के, कौन रियाना को, के मुंह फाड़ दिया दूसरों का। उसने पता नहीं कश्मीर के या पाकिस्तान के हक में कहा है कि असल में कश्मीर डे आ रहा है ना, कल कश्मीर डे है, उसलिए भी कर रहे हैं। ये स्पेस बंद है, स्पेस जा रहे हैं ना ऊपर की तरफ, देखिए। अब जी हमारा ये स्टाइल कंप्लीट हो गया है, जरा चेक करके बताएं कैसा। अब हम स्टार्ट करेंगे मेकअप। मेकअप की वीडियो जो है वो मेरे मेन चैनल के ऊपर आती है, रेमेडीज विद खानम के ऊपर, तो वो आपने जरूर देखनी है। और अच्छा, मुझे कल वो क्वेश्चन कर रहे थे कि आप भी वो आपके, चलो उनका डिस्पैट हो जाए। और जो कल व्लॉग में आप लोग पूछ रहे थे ना कि अभी कौन सा आपने परफ्यूम लिया था जे डॉट से, वो ये ऊद कदीम फॉर मेन है, ठीक है। आप उनके पेज के ऊपर से भी जाके सर्च करोगे ना तो आपको मिल जाएगा, ये वाला है वो वाला। मैं नज़दीक से दिखाती हूँ, आप लोग ऐसे करो स्क्रीनशॉट ले लो। और इसकी सेंट बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी है इसकी मेन के लिए ना। अच्छा, अरेबिक है, ऊद है, तो जो दुबई वगैरह में लगाते हैं ना शेख, ये वो वाली है। और ये मेरे बेटे क्योंकि वहीं पे बड़े हुए हैं और इनको ना वही अच्छी लगती है, ये वही यूज करते हैं इस तरह के। हाँ जी, हाँ। और जी मेकअप लुक जो है वो ये वाली है, जो कि 3 या 4 प्रोडक्ट्स के साथ आप ये पूरा मेकअप कर सकती हैं। मेरे मेन चैनल रेमेडीज विद खानम के ऊपर अपलोड हो चुकी है, खत्म हो चुका है, कर लिया फेस ऑफ। ये हम ना इसीलिए वो मेकअप फिक्सिंग स्प्रे नहीं लगाते, क्योंकि वीडियो करने के बाद हमने फौरन से हम मेकअप रिमूव हम करते हैं। अब ये सारी मैं जनाब सेटिंग करूंगी यहाँ से, ये डिटोल की वाइप्स के साथ और मेकअप रिमूवर मिक्स करके ना, ढेर सारा क्लिंजर और एक बाबरकत ये माइसलर वाटर, बस ये माइसलर वाटर को मिक्स करके ना सारा मेकअप रिमूव हो जाएगा कत्तस का। अच्छा, तो खाना क्या है बताओ? अभी कुछ खाने का दिल नहीं है ना। अच्छा, बाहर से कुछ लेने जाते हुए ये ठीक है। क्या लेना है आप बता दें जो आपको। वो उधर फ्राइड चिक्स चलें या सकाफत? सकाफत चलते हैं। चलो वहाँ
कपकेक्स लेते हैं। चलो जी जल्दी करो फिर निकलो, गाड़ी मैंने स्टार्ट कर दी पर निकलो है ना। चलें जी अभी हम जा रहे हैं सकाफत, वो बिल्कुल ये हमारे इधर राइट साइड के ऊपर जहाँ पे हमारा घर बनता है ना रोड के, ये लेफ्ट साइड के ऊपर हमने आगे से ये देखो हालत देखो जो हमने यू टर्न लिया अभी और ये बस मुझे सकाफत से कपकेक्स लेने हमने बस उतर के, और शाम साहब ने कहा था उसका भी लेके आना। मैं तो हाँ ये है बस ये लेफ्ट साइड ये इधर इधर ही बीच इधर भी ठीक थी या उसके और बीच है ये देखिए बिल्कुल सामने ये है जनाब सकाफत। बस 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 कमेंट्स आए हुए थे कि क्यों ये पेटी है, ये है जनाब कपकेक हमारे और ये कोई वर्ल्ड्स बेस्ट है ना मुकद्दस, मैंने इतने अच्छे और फ्रेश भी अच्छा। कुछ उससे और मुकद्दस खत्म भी कर बैठी होगी अभी मुंह में नहीं डालना चले जी अब मैं माशाल्लाह ये मेरे फ्रंट टीथ का साइज है सॉरी